हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं पांच कली का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, चार कली में हमारा ये बन के आएगा डिजाइन, तो चार कली में बनने वाला बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमेट बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये दो कलर में पुरानी चुन्नी ले ली है। आप इसे ऊन या मैक्रम से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे पुरानी चुन्नी से बनाऊँगी, क्योंकि पुरानी चुन्नी का घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। उनका बहुत ही अच्छा सा यूज है मैट बनाने में। आप इसे पूजा आसन में यूज कीजिए, डोर मैट में यूज कीजिए, टेबल मैट में यूज कीजिए। अगर आप इसे ऊन में बनाना चाहें तो इसे थालपोश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर फंदे डालेंगे। यहाँ पर मैंने 8 नंबर के नीडल्स का यूज किया है। तो यहाँ पर फंदे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके के डाल लूँगी। देखिए बहुत ही आसान है इस तरह के फंदे डालना। इस तरह से एक नोट बनाएंगे ऐसे, और इस फंदे को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे इस तरह से, जैसे हमारा नीडल्स में आसानी से घूम जाए। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर 14 फंदे डाल लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए 14 फंदे से बनाऊंगी। आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो इसमें 16, 18 इस हिसाब से फंदे ले लें, लेकिन ये 14 फंदे से भी इसकी कली काफ़ी बड़ी बन के आएगी। आप इसे 12 फंदे से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट रो थोड़ा सा आराम से निकालेंगे। इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो आराम से निकालते हैं। इस तरह से देखिए, ऐसे इसको हल्का सा टाइट करते हुए बनाते जाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम 12 फंदे बना लेंगे। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 12 फंदे बना लिए हैं। 2 फंदे पीछे के छोड़ देंगे यहीं पे बिना बुने, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे ही बगैर बुना, और यहाँ पर देखिए सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे लास्ट तक। बहुत ही आसान है इसे बनाना, और बहुत ही सुंदर सी देखिए प्यारी सी कली बन के आएगी। ये हमारा 4 कली में बन के आएगा। तो देखिए इस तरह से, देखिए इस फंदे को हमें एक बार बनाना है और एक बार बगैर बुना उतारेंगे। देखिए पिछली सिलाई में हमें इसे बनाया, अब की बार ऐसे उतार लेंगे। इस तरह से घुमाएंगे पट्टी को, अपनी तरफ कर लेंगे आगे की साइड, और यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे बनाए, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बुननी है। इसमें ना ही हम कोई फंदा छोड़ेंगे और ना ही, देखिए इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे आगे की तरफ ऐसे, और यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6,
सात और आठ, आठ फंदे बनाएंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे, उल्टी साइड से पूरी रो उल्टा उल्टा बुननी है। वो देखिए इस पट्टी को साथ में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बीच में ऐसे दबाते हुए फोल्ड कर लेंगे ऐसे। देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं, इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे। देखिए दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बनाए या वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस फंदे को बगैर बना उतारेंगे, पट्टी को आगे की तरफ ले लेंगे। एक दो तीन चार, चार फंदे बनाए वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए उल्टी साइड से सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे लास्ट तक ऐसे। यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, और इस तरह से दो फंदे बनाए वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर दो दो करते हुए हमने सभी फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, यहाँ पर देखिए पूरे रो उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेंगे ऐसे। सभी फंदे जो दो दो करके हमने छोड़े थे उन फंदों को भी बना लेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे बनाया हमने। यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस कलर को हम इस तरह से ऐड करेंगे, इस पट्टी को ऐसे बीच में फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए इस पट्टी को साथ में दबाते हुए चलेंगे, इस ब्लैक वाली को भी दबा लेंगे ताकि हमारा उल्टी साइड भी फिनिशिंग के साथ बन के आए। इस तरह से देखिए पूरी रो वाइट कलर से बना लेंगे। देखिए सेकंड कलर हमेशा उल्टी साइड से ही लगाएंगे हम। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर एक पत्ती बन के आई है। अब देखिए उसी तरह से हम फिर से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, दो फंदे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने इस पत्ती को बनाया है इसी तरह से हम देखिए ये वाइट की बनाएंगे, उसके बाद ब्लैक की बनाएंगे, फिर वाइट की, इस तरह से हम पांच पत्तियां बना लेंगे। तो चलिए पांच पत्ती बनाने के बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की मैंने पाँच पत्ती बना ली है, तीन ब्लैक कलर से बनाई और दो वाइट कलर से बनाई। अब देखिए हमें क्या करना है, इस देखिए पट्टे को पीछे की साइड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर देखिए हम फंदे उठाएंगे, एक
दो, देखिए इस तरह से हम ऐसे करते हुए फंदे उठाएंगे। यहाँ पर हमें 14 फंदे उठाने हैं, तो चलिए मैं देखिए 14 फंदे। आप इस तरह से भी फंदे उठा सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको मुश्किल लगता है ये, उस तरह से फंदे, ये चुन्नी है, अगर ऊन हो तो हमारे जल्दी से फंदे उठ जाएंगे। इस तरह से भी हम फंदे उठा सकते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 फंदे ये थे हमारे, और 11 फंदे हमने यहाँ उठा लिए। एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे 12, और देखिए एक बीच का फंदा ले लेंगे हम। ये देखिए हमारे यहाँ पर 13 और ये 14, और ये एक फंदा बीच में ले लेंगे हम। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, इस ब्लैक वाले फंदे को हम यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 और एक 14, 14 फंदे हो गए हमारे ये यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक फंदा हमने ये बीच में एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए इन फंदों को हम उल्टा ही बुन लेंगे इस तरह से, इस पूरी रो को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए आपको धागा डाल के अगर आसानी से फंदे नहीं उठते, तो जैसे मैंने बताया है इस तरह से बहुत ही आसानी से फंदे उठ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह बन के आएगा हमारा यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस पट्टी को देखिए साथ में इस तरह से दबाते हुए चलेंगे। लास्ट तक सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए
ये देखिए यहाँ पर फिर से हम स्कंधे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए हम 13 फंदे बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और एक फंदा देखिए हम ये यहाँ से लेंगे और बीच वाले फंदे को हम साथ में ले लेंगे, एक फंदा इधर से ले लेंगे, ये 3 का 1 बना देंगे। यहाँ पर देखिए एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से, और ये बीच वाला फंदा हमारा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 लास्ट वाला फंदा है, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इससे क्या है कि हमारी ये इस तरह से ही प्रॉपर किनारे बनती हुई आएगी। और देखिए अब हम यहाँ पर वाइट कलर लगा लेंगे, 2 धारियाँ हमने वाइट कलर से बनानी है, यानी 4 सिलाई वाइट से बनानी है और 4 सिलाई ब्लैक से। तो यहीं से हम वाइट कलर लगा लेंगे इस तरह से। देखिए उल्टी सिलाई में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेनी है। इस ब्लैक पट्टी को टाइट कर लेंगे ऐसे। पूरी रो देखिए उल्टा उल्टा बना लेंगे वाइट कलर से। तो चलिए मैं इस रो को बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। ये इस फंदे को उतार लिया हमने, अब हम यहाँ पर 12 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 फंदे बनाए और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे 13वां और एक फंदा इधर से ले लेंगे और बीच वाले फंदे को साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 फंदे का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह। सीधी सिलाई में बनाना है हमें, उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाना है, उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से घटाते हुए हम यहाँ पर एक फंदा रहने तक बनाएंगे। लास्ट का फंदा देखिए सीधा बनाएंगे, लास्ट वाला फंदा हम हर सिलाई में इसे सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी एक धारी बन के आ गई है। इसी तरह वाइट की हम एक धारी और बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए देखिए हम यहाँ पर बीच का एक फंदा रहने तक बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया, बीच में से दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए अब हमारे यहाँ पर 4-4 फंदे बच गए हैं। देखिए ये मैंने ब्लैक कलर से 3-3 धारियाँ बनाई हैं और वाइट कलर से 2-2 धारियाँ कंप्लीट की है। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, इस फंदे को उतार लेंगे, 2, 3, 3 फंदे उतारेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा ये बीच वाला फंदा जो है ये बीच में ही चलता रहेगा और एक फंदा इधर से। तो 3 फंदे का 1 फंदा बना देंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 का 1 बनाया और 3 फंदे हमारे इस साइड बच गए, 3 फंदे दूसरी साइड ऐसे बना लेंगे देखिए इस तरह से। ये देखिए अब इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे,
देखिए सॉरी, उल्टी साइड से नहीं घटाना था हमें, सीधी साइड से घटाएंगे फंदे। तो यहाँ पर हमें इस सिलाई को निकालना पड़ेगा, देखिए इस तरह से फंदे हम उल्टी साइड से नहीं घटाएंगे, सीधी साइड से ही घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुननी है, उसमें हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। इस तरह से देखिए उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये सॉरी गलती से इस तरह से इस फंदे को पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टी रो में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर इस फंदे को हम उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे बनाए और यहाँ पर सीधी साइड से देखिए हमें इस तरह से फंदे घटाने हैं। तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे सीधी साइड से, उल्टी साइड से कुछ भी नहीं करना है, उल्टी साइड वैसे ही उल्टा उल्टा बुन लेनी है। ये देखिए ब्लैक कलर से हम तीन धारियाँ बना, इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ब्लैक कलर से हमने तीन धारियाँ बनाई हैं और वाइट कलर से दो धारियाँ बनाई हैं। अब हम यहाँ पर वाइट कलर लगा लेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस पट्टी को देखिए साथ में इस तरह से लपेटते हुए बनाएंगे। तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड और पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं फर्स्ट वाले को, और यहाँ पर दो फंदे बनाएंगे हम। अब की बार एक फंदा यहाँ से ले लेंगे और बीच वाला फंदा बीच में चलेगा, एक फंदा उधर से ले लेंगे। तो ये तीन का एक फंदा बन गया यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से, देखिए उल्टी साइड से हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। वाइट कलर से हम दो धारियाँ बनाएंगे और ब्लैक कलर से तीन धारियाँ बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह पट्टी को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर देखिए तीन फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से, तीन का एक बनाया और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर लगा लेंगे, देखिए ऐसे लगाएंगे। देखिए अब ब्लैक कलर से हम इन तीन फंदों को एक बार बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे। इनको अब की बार हम तीन का एक नहीं बनाएंगे, अगली सिलाई में तीन का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उल्टी रो में उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब की बार देखिए हम तीन फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से, एक फंदा बनाया ऐसे, तो वापिस यहीं से पलट जाएंगे। एक बार इस फंदे को ऐसे बना लेंगे, देखिए इस तरह से बन के आएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे किस तरह से कली बन के आई है। ये देखिए इस तरह की कली बन के आएगी, बहुत ईजी है इसे बनाना फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही आसानी से आप इस कली को बना लेंगे फ्रेंड्स। देखिए जिस तरह से मैंने इस कली को बनाया है, सेम पैटर्न से हम ऐसी ही
तीन कली बनाएंगे। जिस तरह से इस कली को बनाया है उसी तरह से तीन कली और बनाकर ये हमारा मैट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम पैटर्न से इसी तरह से हम यहाँ पर तीन कली और बना लेंगे और हमारा जो है मैट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोर मैट कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे एक जिस तरह से मैंने आपको एक कली बनाना बताया है इसी तरह से हम बाकी तीन कलियाँ भी बना लेंगे और इसी तरह बनाते हुए हमारा पूरा मैट कंप्लीट हो जाएगा।